कि क्रिया खा के कह ईमानदारी से, क्रिया खा के कह ईमानदारी से, प्यार नहीं हरे तक रही ससुरारी से, प्यार नहीं हरे तक रही ससुरारी से। इसी में हमने लगाया कि अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, अगर न मिलते इस जीवन में तो लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, प्यार नहीं हरे तक रही ससुरारी। मुर्गा आ रहा क्या कि छपरा का? मुर्गा पूरा देश के हर जगह हलाल होता है, पूरे विदेश में हर जगह लोग खाते हैं। बड़ी खबर, अभी शिवेश मिश्रा जी पहुंच चुके हैं दुबई से, डायरेक्ट पटना पहुंचे हैं। देखिए लोग, गायक शिवेश मिश्रा जी अभी अभी जुड़ चुके हैं। देखिए शिवेश मिश्रा जी, और यहाँ माला पहनाया जा रहा है। बहुत बहुत अच्छा लगा सब लोगों को, पहले जितने भी लोग देख रहे हैं सब लोगों को मेरा प्रणाम है, चरण स्पर्श है सब। कैसा सर, सफर कैसा रहा, क्या क्या अनुभव मिला? वहाँ बहुत अनुभव मिला है, तो मुस्लिम कंट्री, और वहाँ पर ये कभी नहीं देखा जाता है कि हिंदू मुस्लिम में कोई मतलब असमानता, एक दूसरे के प्रति लड़ाई झगड़ा, कुछ भी ऐसा नहीं देखा गया। ये सबसे बड़ी बात है, हमने वहाँ एक चीज़ सीखा। यहाँ मैं आया तो पटना एयरपोर्ट पर, कहना नहीं चाहिए है तो पटना के, पटना एयरपोर्ट में अंदर जब वॉशरूम यूज किया तो वहाँ देखे टॉयलेट पूरा पड़ा हुआ जैसे कहता सर। लेकिन यही आप दुबई गए, दिल्ली में भी बहुत अच्छा व्यवस्था है, लेकिन दुबई में इतना ज़बरदस्त, सब कुछ शानदार है, सारा चीज़ शानदार है, मतलब देख के दिल खुश हो जाता है। आप जाएंगे तो एक पूरा कचरा भी आपको रोड पर नहीं मिलने वाला दुबई में, ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में प्रवेश किए हैं डायरेक्ट हम लोग। ये चीज़ वहाँ पर अनुभूति हम लोग को मिली। कारण था कि आप दुबई गए तो वहाँ पे आपके साथ रवि किशन जी भी नजर आए थे तस्वीरों में, हाँ, वहाँ पर हम लोग को बुलाया गया था कार्यक्रम के लिए, एक रेस्टोरेंट पटना वाराणसी रेस्टोरेंट में उद्घाटन था, जिसमें रवि, बड़े भैया रवि किशन जी और बहुत सारे लोग थे, और उसके बाद एक बर्थडे पार्टी में भी हम लोग गए थे कार्यक्रम में 2 दिन के लिए। तो बाकी आने का तो प्लानिंग हर कोई चाहता है दुबई से, 1 महीने के बाद 1 महीने का वीज़ा बनता है तो, लेकिन हमारे लिए हमको बहुत खुशी हुआ कि हम लोग जाकर जल्दी आ गए। 30 को कार्यक्रम था जो कैंसिल हो गया, जिसकी वजह से आना पड़ा, नहीं तो मेरा दिल था कि 1 तारीख वहीं न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर 2023 वहीं गर्दा उड़ा के आते। सर अभी नया साल में जैसे कि सब गाना ला रहे हैं मुर्गा 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 के लिए बवाल हो रहा है, इसके लिए क्या कहिएगा? मुर्गा क्या है कि सर छपरा गया, मुर्गा आ रहा क्या कि छपरा का? मुर्गा पूरा देश के हर जगह हलाल होता है, पूरे विदेश में हर जगह लोग खाते हैं उसको, लेकिन मुर्गा जिंदा मुर्गा को ला के और YouTube पर दिखाना, ये अच्छा थोड़ा सा हमको नहीं लगा, और बहुत सारे लोगों को भी नहीं लगा होगा। और ये सच्चाई बात है कि अगर आप जिंदा मुर्गा लेकर आते हैं YouTube पर दिखाने तो वो अच्छी बात नहीं है। आप मरा हुआ तो नहीं ला सकते ना सर, मरा हुआ नहीं ला सकते हैं, जिंदा भी लाना अच्छी बात नहीं है। क्या अच्छा, जिस तरह से अभी नया साल में कौन सा गाना आने वाला है आपका, कोई धमाल? हाँ, एक गाना आने वाला है मेरा, एक गाना तो मेरा आया है 3 दिन पहले 4 दिन पहले। वो गाना है, सैड सॉन्ग है, जितने लोगों का दिल टूटा है उनके लिए हमने गाना गाया है। वो हाँ, नए साल वाला गीत है, 2023 का है, मान लीजिए 2-3 दिन पहले आया तो 23 का ही हुआ। वो गाना है कि अपना सजन के हाथ तू धैलू हाय, कि अपना सजन के हाथ तू धैलू जीवन भर के निभाई हो, जा तू जन ससुराल जा तू जन ससुराल जा, हमरा लना लोर बाबा है हो, हमार घर उजाड़ दिहलु पिया के घर बसै हो। ये गाना दुबई से क्या लेके आए हम? दुबई से, दुबई तो अभी तक 3 बार गए हम, 3 बार, हाँ ये तीसरी बार थी, लेकिन इस बार ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो लाएगा ही इंसान। साल खत्म हो रहा है, कंट्रोवर्सी एक बड़ा है जी, क्या सिपाही चाचा है? हाँ सिपाही चाचा है, क्या सिपाही चाचा का वीडियो वायरल हो रहा है? कौन सा? आरती न्यूज और किसी लड़की के साथ? हाँ वही टैटू गर्ल, खेसारी जी की बेटी का टैटू लगा है। अच्छा, उनका वीडियो वायरल हुआ, MMS वायरल हो रहा है, उनके साथ वीडियो वायरल हुआ है, और उन्होंने सिपाही चाचा का सब दिन देखते थे लड़की के साथ अथी में आते हुए आरती न्यूज में। तो लेकिन छोटे कलाकारों को सपोर्ट करते, वो तो बाबू बाबू करते थे सबको, तो फिर कैसे हो गया? कैसे बाबू करके ही सर उनका वीडियो वायरल, बाबू बाबू करके वीडियो वायरल, हम तो नहीं देखे अभी तक दुबई में थे। चाचा है लेकिन चाचा करते करते सैया बन चुके, कह रहे थे चाचा है, चाचा करते करते सैया बन चुका है। अच्छा, ये आप लोगों का कहना है, सच्चाई बात है, ये वीडियो वायरल हुआ सच्चाई है? अच्छा, अभी हम देखेंगे तब उस पर। अच्छा, उन्होंने इंटरव्यू में कुछ बोला? अच्छा, आपका चेहरा होगा, ब्लैकमेल कैसे कोई करेगा? 2 लाख रुपया उसे ले लिया गया, ले लिया गया है, जो पीड़ित है, जो लड़की है, जो औरत जिसके साथ वीडियो, खुद कैमरा के सामने आके बोल रही है मेरे साथ ऐसे ऐसा किया गया, मुझे
अच्छा अच्छा ऐसा भोजपुरी में क्यों होता है जरा बताएंगे हमको, ये विवाद भोजपुरी में क्यों होता है ऐसा, ये आप बॉलीवुड में देखिए नहीं मिलेगा आपको ऐसा देखने को, और कहीं आपको नहीं देखने को, भोजपुरी में क्यों होता है पता नहीं। आखिर आखिर जब आप जब कमरे में थे तो आपको बल्ब लाइट बंद कर देना चाहिए था, वीडियो वायरल नहीं होता, सच्चाई बात है। देखिए अच्छा दीन का पुरी, कहीं सीन वीन तो नहीं कर रहे थे एल्बम वाला, कहीं वो कहीं वैसा वीडियो तो नहीं वायरल हो गया। हम मिले हैं सिपाही चाचा से, हम तो पैर छू के प्रणाम भी किए, तो हम लड़का है कैसे बता सकते हैं कैसे थे, हमको कैसे मानते हो, लड़की रहते तब पता चलता कि हमारा व्यवहार हमारे साथ कैसा उनका है। लेकिन सर एक गाना हो जाए जो सर हम वीडियो देखेंगे तो कैसे पैर छूएंगे बताइए। अच्छा वो तो कहते थे कि मैं छोटे छोटे कलाकार को आरती मंच पे लाके, लड़की कलाकार की लड़का कलाकार को ज्यादातर तो मैंने लड़की को ही, अच्छा वो लड़की को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, तो हम लड़की बनेंगे तब पता चलेगा। हमको तो मिले थे तो बड़ा अच्छा व्यवहार विचार, हमको सपोर्ट किए थे बाबू बाबू करके, हमको भी कंधा उंधा पर हाथ दिए थे, हम भी पैर छू के प्रणाम किए थे, क्योंकि बड़े हैं तो हम सबको प्रणाम करते हैं। नए साल पर जितने भी लोग देख रहे हैं चैनल के माध्यम से, उन सभी को मेरा प्रणाम है, और सब लोग हैप्पी न्यू ईयर। अभी तो बड़ा सीरियस चल रहा है, फिर कोरोना घुसने वाला है अपने भारत में, घुस चुका है, तो हम चाहते हैं कि सारे लोग संयम में थोड़ा बरतें, और 2023 में हम नहीं चाहते हैं कि अपने भारत देश से एक भी आदमी भगवान को के घर जाए, हम चाहते हैं कि सब लोग यहीं रहें और प्यार एक दूसरे से प्यार गले मिल कर रहें, क्योंकि भाईचारा में ही अपना देश आगे बढ़ेगा, बिना भाईचारे के देश आगे नहीं बढ़ सकता। आज जानिए आपकी दुबई में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया किसको, वो भी अपने भारत के शाहरुख खान को बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर दुबई का, तो ये हम लोग के लिए गर्व की बात है ना, तो ये गर्व की बात हम लोग तब उसको एहसास करेंगे जब सब लोग एकता बनाकर चलेंगे। सर देश में वही शाहरुख खान जी का पठान का ये बायकॉट किया जा रहा है, अब देखिए बायकॉट किया जा रहा है तो अपने ही देश के, वो बायकॉट उनका ही गाना फिल्म था जो हमको लगता है कि सुपर डुपर हिट हुआ था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, अब होगा कि नहीं होगा वैसा फिल्म पता नहीं, लेकिन उनका ही हिट था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, रब ने बना दी जोड़ी, बहुत सारे गाने थे उनके जो हिट नहीं सुपर डुपर हिट हुए। अब उनका वक्तव्य अब कैसा वो विचार आ गया जिसके वजह से अब उनको, जब से ये सुशांत सिंह राजपूत वाला मैटर हुआ तब से शाहरुख खान और सलमान खान को शायद लोग अलग नजरिए से देख रहे हैं। एक गाना मेरा वायरल हुआ अभी दो दिन पहले, ट्रेन वाला वीडियो लगभग लोग देखे होंगे, वो हम लोग इंटरटेनमेंट में कार्यक्रम में जा रहे थे यहाँ चेन्नई, तो चेन्नई जा रहे थे तो सारा म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट सब कुछ साथ में था, तो गाना गा दिए। अब देखिएगा ऐसे ही कई सारे कलाकार भी गाएंगे, वीडियो डालेंगे, और हम चाहते हैं कि डालें सब कोई, वीडियो वायरल हो, अपने भोजपुरी का भी नाम ऊपर तक पहुंचे, और ऊपर तक पहुंचा है जिसके वजह से हम लोग दुबई जाके कार्यक्रम किए, लंदन जाके और कलाकार कार्यक्रम करते हैं, ये हम लोग के लिए गर्व की बात है, भोजपुरी समाज के लिए गर्व की बात है। कहीं एगो भोजपुरी में गाना हमारा वायरल भइल रहे, जो उन गाना के नाम रहे प्यार नहीं हरे तक रही ससुरारी, वो गाना के देखिए भाव रहे कि क्रिया खा के कह ईमानदारी से, क्रिया खा के कह ईमानदारी से, प्यार नहीं हरे तक रही ससुरारी से, प्यार नहीं हरे तक रही ससुरारी से, इसी में हमने लगाया कि अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, अगर न मिलते इस जीवन में तो लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, प्यार नहीं हरे तक रही ससुरारी से। देखी लड़का जाता जब लड़का लड़की के प्रेम रहता जवानी में, वो लड़का लड़की के शादी हो गई तो लड़का यह घरे बैठ के कहता कि तोहरा गांव में आई बुता बोलई बुकिना, हंस के एक लोटा पानी पियाई बुकिना, कि तोहरा गांव में आई बुता बोलई बुकिना, हंस के एक लोटा पानी पियाई बुकिना, जाए लागा बुता तकबू के बारी से, मने घर जाए तब तोरा ससुराल जाए तब, कि जाए लागा बुता तकबू के बारी से, प्यार नहीं हरे तक रही ससुरारी से, प्यार नहीं हरे तक रही ससुरारी से। भैया आज जाते जाते एक सवाल, अभी पवन सिंह जी का बर्थडे आ रहा है, क्या
पवन सिंह जी के बर्थडे में शिवेश मिश्रा गाना गाएंगे? देखिए हम पर्सनली अगर गाएंगे तो खेसारी भैया के फिर नाराज हो जाएंगे, दिनेश लाल यादव भैया के फिर नाराज हो जाएंगे, गुंजन सिंह फिर नाराज हो जाएंगे। हम पर्सनली उनके लिए नहीं गा पाएंगे, क्योंकि अगर हम उनके लिए गाएंगे तो उन्हीं के पीछे पीछे हम दौड़ना पड़ेगा हमको। और कोई कलाकार इस इंडस्ट्री में जो किसी का कॉपी करके गा रहे हैं वो उनका हमको नहीं लगता है कि आगे बढ़ पा रहे हैं। वो अपना एक रास्ता अलग बना चाहिए, मुकाम अपना अलग होना चाहिए। अब दूसरे के पत्नी को देख के हम समझेंगे कि हमारी पत्नी है तो होगा? नहीं ना हो सकता है। इसलिए अपनी पत्नी आएगी तो वो हमारे लिए बेस्ट होगी। हम उनके लिए उनको मानते हैं, उनको दिल से मानते हैं, पवन सिंह भैया को दिल से मानते हैं, खेसारी भैया को दिल से मानते हैं। खेसारी भैया डांस कर देंगे तो फिर पावर है, कोई करेगा? और पवन भैया जो गाना गा देंगे तो फिर पावरे वाला बात नहीं है, पावर रह जा से देखे पड़ी। वही बात, बहुत बहुत आपको भी नए साल का ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर सभी लोगों को, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को, प्रणाम।